देखिए ये लेडीज जो लगा रही हैं फॉरनर हैं और दंडौती परिक्रमा लगा रही हैं। हेलो, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? यू नो हिंदी? शिट, यहाँ पे अंग्रेज भी दंडौती परिक्रमा लगा रहे हैं भाई। ये किए जा रही है, देखिए। राधे राधे, वेलकम टू मथुरा। और सब कुशल मंगल कैसा रहा सफर? आनंद आए? राधे राधे। तो भाई यही थे जो कई दिनों से कॉल आ रही है मेरे को। तो 7 महीने से देख रहे हैं आप? हाँ, मैं 7 महीने से। कैसे लगते हैं? अच्छा। चलिए तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हुए, सुबह सुबह ही नहा धो के आ गए मथुरा जंक्शन पे। और इतनी जल्दी आने का कारण यही है भाई, कल की करवा चौथ थी, उम्मीद थी लोग घूमने फिरने वाले निकलेंगे, लेकिन भाई कोई नहीं निकला। हमें तो लगता था केवल हम ही डरते हैं बीवियों से, पर पूरी दुनिया डरती है भाई, कोई घूमने फिरने वाला नहीं निकला। कल सुबह के टाइम में एक कचहरी का चक्कर लगाया था, उसके बाद में चला गया था घर, क्योंकि दोपहर हो गया था और दोपहर बाद भी जल्दी आ गया था मैं। लगभग 4 बजे के करीब मैं निकल आया था कि सुबह कुछ नहीं हो पाया तो शाम में कुछ हो जाए भाई। शाम को भी कुछ नहीं हुआ। एक चक्कर हाईवे का लगाया था 50 रुपये का, एक चक्कर जन्मभूमि का 100 रुपये का, 150 रुपये कमाए थे शाम के टाइम में। तो बहुत बुरा दिन गया था, तो दबाव था भाई। ऐसा होता है यार, जब एक दिन बुरा चला जाता है ना तो अगले दिन ऐसी लगती है जल्दी निकल जाओ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चाहे यहाँ आने के बाद कुछ मिले या ना मिले, पर घर पे तो ऐसा ही लगता है कि जल्दी जाओगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो 7:30 बजे ही निकल के आ गया हूँ मथुरा जंक्शन पे। और भाई मेरी तरह मैं अकेला नहीं हूँ जिनका दिन बुरा गया था, पूरा का पूरा स्टैंड जो है गाड़ियों से लबालब भरा हुआ है, तो सभी जल्दी आ गए आज। तो एक नया दिन नया ब्लॉग्स दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। और भाई एक खुशखबरी भी दे दूं आज आपको, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं आज, उन्होंने दोपहर का टाइम दिया, 1:30-1 बजे के करीब उनकी गाड़ी आएगी। तो उम्मीद है भाई सब्सक्राइबर घूमने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमाने का मौका मिलेगा, पर उन्होंने थोड़ी सी एक टेंशन दे दी मेरे को। वो बोल रहे हैं कि भैया हमको वृंदावन में स्टे करना है, और भाई मैं रहता हूँ मथुरा में, आप सभी को मैंने कई बार बता रखा है, अगर आप यहाँ से वृंदावन चले जाते हो तो मेरा संपर्क सूत्र ख़त्म हो जाते हैं। फिर यहाँ से वृंदावन जाना फिर घुमाना तो लोगों को थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि मैं यहाँ से खाली जाऊँगा घुमाने के लिए, तो भाई चार्ज से लगाऊँगा मथुरा से वृंदावन जाने के, वहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। और फायदे की चीज़ ये भी है कि अगर वृंदावन में आप रुके हो तो वृंदावन से वृंदावन घूमने में पैसे भी कम लगते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से घूम सकते हैं। तो मैं किसी का नुकसान तो नहीं करवाता, लेकिन अपना नुकसान हो जाता है। अब वो वृंदावन जाएंगे तो अपन उनको घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि वृंदावन में रहते हुए वो कम पैसों में और ज़्यादा अच्छी तरह से घूम सकते हैं। देखेंगे जैसी होगी पैसा आपसे मिलाएंगे, अगर मुलाकात हो पाई तो। फिलहाल तो इंतजार कर रहे हैं और गाड़ियों का भी और सवारियों का भी, तो आने देते हैं, अपने दिन शुरू करते हैं, कुछ मिलेगा तो आपको बताएंगे। तब तक अपनी मित्र मंडली से माता पच्ची करते हैं, और क्या यहाँ पे यही होता है भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। तो भाई ये देखो ऐसा कुछ माहौल है मथुरा जंक्शन का, लाइन लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती ख़त्म नहीं होगी भाई, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सवारी बहुत है, पलके बैठने को तैयार नहीं है भैया। अच्छा सवारी बहुत है, बैठने को तैयार नहीं है? हाँ। जबरदस्ती डंडा लेके खड़े हो जा, बैठ बैठ इसमें जब बैठेगी। चलो भाई देखते हैं कुछ हम भी। तो भाई 7:30 बजे मथुरा जंक्शन पे आ गया था, और मथुरा जंक्शन पे आने के बाद कोई सवारी मिल नहीं रही थी। पहली सवारी मुझे मिली है गोवर्धन की, गोवर्धन में राधापुर के पास हम एक जगह है राधिका गेस्ट हाउस, ये मेरी सवारी है वो सामने तो राधे राधे राधे। कोई सवारी छोड़ दिए, पैसे ले लिए, अब जा रहे मथुरा के लिए। चलिए यहाँ से सवारी और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और वैसे भी पश्चिम बंगाल से मेरी सवारी आने वाली है झेलम एक्सप्रेस से, उनका अभी अभी कॉल आया कि हम भैया दिल्ली में, और दिल्ली में से लगभग 2 बजे के करीब में मथुरा उनकी ट्रेन आ जाएगी। और इन लोगों को लाया ना, ये भी बंगाल से ही है भाई, तो आज का दिन ऐसा लग रहा है बंगालियों के साथ ही जाएगा। सामने की तरफ गाड़ी में मैंने चैनल का नाम लिख रखा, उसका कभी कभी फ़ायदा मिल जाता है, मैं सवारियाँ लाया था, इन लोगों ने लाभ देख लिया। तो ये मेरी सवारियाँ थी। राधे राधे, कहाँ से हैं आप लोग? कलकत्ता से? प्रॉपर पूर्व मेदिनीपुर। अच्छा चलिए ठीक है, छोड़ दिया भाई, निकलते हैं। दोस्तों अभी जिन सवारियों को मैंने छोड़ा ना, इनको मथुरा से लेके आया था मैं ब्रादा कुंड के लिए, और जब अभी जब मैं आ रहा था तो थोड़ा सा हिस्सा गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग का पड़ता है, लगभग 4-5 किलोमीटर का। तो जब मैं आ रहा था ना तो मैंने परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा अजीब सा नज़ारा देखा था,
कि कुछ फॉरनर्स थे जो कि 4-5 बंदे थे जो कि डंडौती परिक्रमा लगा रहे थे। अब यार हम इंडियन हैं, हमको तो पता है डंडौती परिक्रमा क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, या पैदल परिक्रमा क्या होती है, लेकिन किसी फॉरनर को डंडौती परिक्रमा देखते का लगाते हुए मैंने आज पहली बार देखा था। अभी मैं उधर से होके निकल रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि देखिए फॉरनर्स भी यहाँ, जिन लोगों का ना कल्चर है ना बचपन से कोई बताया जाता है, हम लोगों को तो बचपन से पता होता है, माँ बाप के साथ कभी जब आते जाते रहते हैं तो थोड़ा सा जानकारी होती है डंडौती परिक्रमा के बारे में, लेकिन अंग्रेजों का तो कल्चर ही नहीं है भाई। सॉरी, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी यार एकदम से अपना कल्चर बदल के और डंडौती जैसी परिक्रमा में आस्था रखना, बाकी में यार इसी का नाम वृंदावन और गोवर्धन है, ब्रज भूमि चारों धामों से अलग ऐसे ही नहीं कहा जाती है। तो आपको दिखाता हूँ भाई, अंग्रेज यहाँ पे डंडौती परिक्रमा लगाते हैं। देखिए ये लेडीज जो लगा रही है फॉरनर है और डंडौती परिक्रमा लगा रही है। ये होती है आस्था भाई, ना तो कल्चर है इनका ऐसा कुछ। ये आपको केवल ब्रज में ही देखने को मिलेगा। हेलो, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? यू नो हिंदी? शिट, कोई नहीं। ठीक है, दो ये हैं, यहाँ पे अंग्रेज भी डंडौती परिक्रमा लगा रहे हैं भाई। ये किए जा रही, देखिए तो ये फॉरनर जो परिक्रमा लगा रहे थे, 2-3 बंदों से बात की और किसी को भी हिंदी आती नहीं, तो बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी यार बहुत रेयर है ऐसी चीज़ें देखने के लिए। और ऐसी चीज़ें देखनी है ना तो ही आला पड़ेगा आपको, गोवर्धन वृंदावन, यहाँ बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं ये लोग जो गोरे आते हैं, पूरी की पूरी जो नियमावली होती है उससे चलते हैं। और हमारे जैसे लोगों को शर्म लगती है अपने तिलक लगाने में, परिक्रमा लगाने में, ओल्ड फैशन है, इनसे सीखो भाई, इनका ना कल्चर है कुछ भी नहीं है, फिर भी लगे हुए। गोवर्धन वाला चक्कर लगा के सीधा घर आ गया था, मैं खाना पीना खाया, अपना ब्लॉग एडिट किया, और सुबह में जो आपसे बोल रहा था ना कि मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं कलकत्ता से, तो भाई उनका कॉल आ गया, 2 बजे का टाइम दिया था, अभी 1:57 हो रही है, मतलब केवल 3 मिनट बची हैं उनकी गाड़ी मथुरा जंक्शन पर आने में, तो फ़ोन आ चुका है कि भैया हम मथुरा जंक्शन पहुँचने वाले हैं, आप वहीं पर मिलना। तो भाई अभी दोपहर के 2 बजे निकल के जाना पड़ रहा है, वैसे मैं 4, 4:30, 5 बजे तक निकल के जाता था, पर यार इतनी दूर से कोई मिलने आ रहा है, काम मिले ना मिले वो बात की बात है, अगर कोई मिलने आ रहा है तो भाई का फ़र्ज है कि उनसे मिले जाके, और कहीं छोड़ना होगा तो उनको छोड़ेंगे, जैसी भी कहानी होगी आपको मथुरा जंक्शन पहुंच के ही बताएंगे। चलिए मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कलकत्ता से हैं वैसे। चलिए आज मिलाते हैं अपने सब्सक्राइबर से, आजकल सब्सक्राइबर बहुत आ रहे हैं मिलने वाले भाई। तो भाई हमारे जो सब्सक्राइबर मिलने आ रहे थे उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, मैं गेट नंबर 3 से गाड़ी चलाता हूँ और वो लोग मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 1 की तरफ निकल आए, ये जो सामने आपको दिख रहा है गेट नंबर 1 है, तो भाई उन लोगों को सामान लेके उधर को जाने में परेशानी होती तो मैं इधर ही आ गया हूँ लेने के लिए, अब वेट कर रहा हूँ, वो आ गए शायद, ये ही है। राधे राधे, वेलकम टू मथुरा, और सब कुशल मंगल, कैसा रहा सफर? आनंद आए, राधे राधे। तो भाई यही थे जो कई दिनों से कॉल आ रही है मेरे को, मैं एक ना उधर से चलाता हूँ 3 नंबर गेट से गाड़ी, तो घूम के मुझे इधर आना पड़ा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ जाइए, बुलाया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ रहते हैं सर जी आप? हम लोग कलकत्ता से 45 मिनट दूरी। अच्छा, कलकत्ता से थोड़ा सा हटके, इतने ऑटो वाला टोटल परेशान के हम बोले नहीं भाई, मेरा आदमी भाग किया हुआ है, वार है ये काम है, अगर आप, मैं भी जानता नहीं होता तो मैं भी पूछता आपसे, सब लोगों का रोजी रोटी के लिए निकल के आते हैं सब घर से, तो सबका काम यही है। रोजा 7 महीने से देख रहे हैं आप? हाँ, मैं 7 महीने से। अच्छा, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। चलिए, हाँ तो जी दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है, जो सब्सक्राइबर आ रहे थे उनको लेके मैं वृंदावन आ गया हूँ, इन लोगों की इच्छा थी कि वृंदावन में आकर रुकें और पूरा वृंदावन यहीं से घूमेंगे, कहीं ना कहीं सुविधाजनक भी है, यहाँ से आप पैदल पैदल कई मंदिर ऐसे होते हैं आसानी से हो जाएंगे। तो इनमें जो सब्सक्राइबर आए हुए इनके साथ एक आंटी आई है जो कि पहले भी वृंदावन आ चुकी है, पहले फोगला आश्रम में रुकी हुई थी, तो मैं सीधा फोगला पे लेके आया हूँ। अब फोगला में इनको रूम मिला नहीं है, केवल एक दिन के लिए बोल रहे हैं कि एक ही दिन के लिए खाली है, तो 2-3 आश्रम और बताएं इनमें और ट्राई करके आ रहे हैं, नहीं मिला तो फिर मैं दिखाऊंगा कोई, तो फिलहाल तो रूम की जाँच चालू है, सस्ता अच्छा वृंदावन में रूम आसानी से मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भटकना पड़े।
बोगला आश्रम है, इसके सामने बालाजी आश्रम है, राधा श्याम आश्रम है, राधे श्याम आश्रम है और भारत सेवा आश्रम है, लाइन लगा के आश्रम ही आश्रम है, आप जिसमें चाहो उसमें रुकिए। और भाई ये आश्रम आप लोग देख लो, आगे पीछे कोई आता है तो यहाँ पे आके रुक सकते हो, ये एड्रेस है और ये नाम है। सामने की तरफ इस तरफ जाएंगे फोगला आश्रम और इस तरफ को रिवर्स हो जाएंगे तो बाके बिहारी, दोनों के बीच में है, सुविधा है आपके लिए और सस्ते अच्छे रूम मिल जाते हैं यहाँ पे, नंबर भी और आश्रम का एड्रेस भी देख लो। आज तो ड्रेस पहन के घूम रही है खुशी, कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है? स्कूल खुशी स्कूल जा रही है भाई रात में। हाँ देखो है, छह आउट है 14 भाई। भाई मैच चला हुआ जबरदस्त, पहले मैच देख लेता हूँ यार। ओ भाई क्या दिन गया मेरा आज का, एकदम जबरदस्त वाला आज का ब्लॉग। मैं चाहता तो और भी बड़ा कर सकता था लेकिन आप लोगों में से कई लोगों की शिकायत होती है कि भैया थोड़े से वीडियोस आपके बड़े हो जाते तो थोड़ा सा शॉर्ट रखा करो। जब मैं वृंदावन में था जो मेरे सब्सक्राइबर आए हुए थे उनको लेकर वृंदावन पहुंचा था ना, आश्रम छोड़ने के बाद मैं फ्री हो गया था, चाहता तो वहाँ पे जाके और भी क्लिप बना सकता था, आपको और भी दिखा सकता था लेकिन मैं ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता था। और भाई इतनी खुशी होती है ना जब कोई ऐसे मिलने आता है। मैं यूट्यूब पर और लोगों के वीडियो देखा करता था कि कोई मिलने आ रहा है, कोई सब्सक्राइबर आपको वीडियो देख के मिलने आता है और मैं सोचता था कई बार कि लोग शायद अपने आप पैसे वैसे दे के या किसी यार दोस्त को किसी फैमिली मेम्बर को खड़ा कर देते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर मिलने आते हैं, लेकिन नहीं भाई वाकई में ऐसा होता है, मिलने आते हैं। जब मेरे जैसे एक ऑटो ड्राइवर से और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, जब मुझसे कोई मिलने आ सकता है तो भाई वाकई में जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगरों से लोग मिलने पहुँचते ना, ये सच है यार, आते हैं। मेरे आज तीसरा या चौथा चांस है जब मेरे सब्सक्राइबर ने कॉल करके बोला है कि भैया हम आपसे मिलने आ रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा सा बहाना भी मिल जाता है कि जिन लोगों के मथुरा वृंदावन आने के प्रोग्राम बने हुए हैं तो वो वीडियो देख के बोलते हैं कि भैया हम आ रहे हैं तो आपसे भी मुलाकात हो जाएगी, तो भाई खुशी होती है यार। जो भी लोग आए करें फ़ोन करिए करो भैया मिलता है, आप घूमो ना घूमो कोई दिक्कत नहीं, मुलाकात तो होनी चाहिए। लोगों का थोड़ा सा जो प्यार सपोर्ट मिलता है ना, जो आंटी थी आज मेरी सब्सक्राइबर बोल रही थी भैया 7 महीने से हर रोज़ लगातार आपके वीडियो देखती मुझे अच्छे लगते हैं, खुशी होती है यार। जो भी मेहनत कर रहा है मैं हूँ या जितने भी छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो ऐसे प्यार के लिए लोग तरसते हैं कि एक कमेंट कहीं से आ जाए, एक लाइक कहीं से आ जाए। तो जितने भी मेरे भाई वीडियोस देखते हैं सबसे रिक्वेस्ट है यार, एक कमेंट एक लाइक जरूर दिया करो। और जितने भी नए देखने वाले हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। कई बार ध्यान नहीं रहता है तो नोटिफिकेशन से पता चल जाता है कि भाई की वीडियो आ गई है, प्लीज़ सपोर्ट करना शुरू कीजिए। और भाई घूमने फिरने की इच्छा हो या ना हो जब भी मथुरा चक्कर लगे तो मिल सकते हो आप, भैया को कोई ऐतराज नहीं, कभी भी आके मिलिए। और ज़बरदस्त दिन था, कमाई के लिहाज से भी, सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई इस लिहाज से भी, और भाई भाई ने एक उनके लिए फ़ायदा भी किया क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हम वृंदावन आपके साथ घूमना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें साफ साफ बताया कि मैं मथुरा से आऊँगा तो आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि मैं वृंदावन आने के चार्ज लगाऊँगा आप पे इतने ही पैसों में, आप चाहो तो वृंदावन में से कोई ई रिक्शा वाला पकड़ लेना वो आराम से घुमा देगा। तो उनको मेरी बात भी अच्छी लगी और समझ में भी आ गई। उसके बाद मैं बोल के आया था अगर आपको नंदगांव बरसाना गोवर्धन वगैरह या मथुरा या गोकुल वगैरह घूमना है तो कॉल करना, मैं आ जाऊँगा घुमाने के लिए, लेकिन वृंदावन घूमना है तो फ़ायदा इसी में कि यहीं से पकड़ लेना। तो वो भी खुश हुए और भाई हम मुझे भी संतुष्टि मिली कि मेरे भरोसे कोई आया था, उनका मैंने कुछ तो फ़ायदा करवाया। अब मैं अपना कमाना चाहता, हाथ दुख गया, तो चाहता कि मेरे साथ ही घूमे लेकिन जो मेरे भरोसे पर आया तो मेरा फर्ज है कि उनको भाई सही रास्ता दिखाना और उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा करना। भाई को इतना भी लालच नहीं है, जो अपने जो आपके प्यार और सपोर्ट का लालच है ना पैसे का उतना नहीं है भाई। तो जो भी लोग देखते हैं प्लीज़ यार प्यार सपोर्ट दीजिए कीजिए। और भाई कल का दिन मेरा बहुत हल्का गया था, करवा चौथ का दिन था, उम्मीद थी काम धंधा बहुत ज़्यादा निकलेगा लेकिन कुछ नहीं निकला था, तो आज एक अच्छा दिन था, मज़ा आ गया। और थका हुआ यार पूरी तरह से, आज दिन में आराम नहीं मिला, मेरी आदत है कि दोपहर को मैं घर पर आ जाता हूँ। और जो सब्सक्राइबर थे वो भी कह रहे थे इस बात को, भैया आप दोपहर में घर रहते हो तो हमें टेंशन हो रही थी कहीं ऐसा ना हो जाए घर जाके खाना पीना खा के सो जाए हम फ़ोन करते रहें। मैंने कहा नहीं, जब मैंने आपसे बोला है तो दोपहर हो शाम हो या रात हो, अगर आपसे बोल दिया कि मैं आपको मिलूंगा तो रात के 2 बजे भी होंगे तो मैं पहुंचूंगा आपको लेने के लिए। तो उनको छोड़ा, उनको रूम दिला दिया, अब वो मथुरा वृंदावन या नंदगांव बरसाना घूमेंगे तो मुझे कॉल करेंगे, वरना राधे राधे। इतनी मुलाकात हुई वो भी खुशी दायक थी, मज़ेदार दिन रहा मेरा। चलिए आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड, आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे नमस्कार। ब्लॉग एंड हो गया, तब हमारी मैडम आई है, देखिए हेलो। चलो कोई बात नहीं, कर दो। कैसी गई करवा चौथ? गिफ्ट कैसा लगा मेरा? अच्छा। मैडम खुश है भाई गिफ्ट को पाके। पैसे खर्च होते हैं पर ऐसा नहीं है, जो लोग बीवियों को दूसरी जो भी दूसरों की बीवियों को देख देख के खुश होते हैं ना, कैसा खर्च किया करो, आपकी बीवी भी अच्छी लगेगी जैसे कल मेरी लग रही थी। मैडम बोल रही सबकी लग रही थी। हाँ भाई सबकी लग रही थी, सब अच्छे हैं। जिसकी जैसी संभाई होती है वैसा खर्चा करता है। आपके भाई पे ज्यादा पैसा लेता है लेकिन मैडम की खुशी के लिए जितना था उतना कर दिया मैंने। मैडम भी खुश है, हम भी खुश है। चलिए कल मिलते हैं आपसे, कल इंतजार कीजिएगा। ओहो मेरा दिमाग यार काम नहीं कर रहा है, एक सरप्राइज और है कल के लिए आपको। आज के वीडियो में ना तो बताऊंगा ना दिखाऊंगा, कल ही दिखाऊंगा, कल ही बताऊंगा कि क्या सरप्राइज है मेरे घर में। भाई एक खुशखबरी आई हुई है, वो कल दिखाएंगे। चलिए कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे नमस्कार।